सो गाइस, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सुपरमन ऐप में यूपीआई आईडी कैसे चेंज कर सकते हो। इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर देना। तो सबसे पहले इसे एप्लीकेशन को ओपन करना है सुपरमनी को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलता है ऊपर फोटो का, इस पर आपको क्लिक करना है यूपीआई आईडी चेंज करने के लिए। यूपीआई ऑप्शन एक पहले नंबर पर मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। मैनेज यूपीआई आईडी, इस पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर आपकी जो भी प्राइमरी यूपीआई आईडी वो आ जाएगी। अब यहाँ पर क्रिएट कस्टमर यूपीआई आईडी पर क्लिक करना है। अब यहाँ से आप इनमें से जो भी चाहो, राहुल कुमार धाकड़ इस तरीके से जो चाहो वो आप ले सकते हो। अब यहाँ पर मैं इसको बाई चांस लेना चाहता हूँ, तो इस पर हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है नीचे की ओर कंफर्म, इस पर क्लिक कर देंगे। तो ये यू पी आई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है, ये आई डी हमारी बन चुकी है। आप इसको प्राइमरी भी कर सकते हो। और अब आप सारी चीज़ें समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। उसके अलावा यहाँ से आप देख जाओगे तो उसके अंदर भी चेंज हो जाएगी, ऐसा नहीं कि चेंज नहीं होगी। जहाँ जहाँ आपके इसमें चेंज होती है वहाँ वहाँ ये इस पर चेंज हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो ऊपर यू पी आई आई डी भी आ चुकी है। मिलते हैं अगले वीडियो में।